जब हम भारत के इतिहास को उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में से बहुत सारे राजा और रानियां हुई है जिन्होंने अपने पराक्रम के दम पे उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की थी और कभी भी जो है उन्होंने अपने आप को गिव अप नहीं किया था, अपनी हार नहीं मानी थी और अंतिम सांस तक उनसे लड़ते रहे। अब हम जब उनकी याद में हमारे सिटी के चौराहे पे जब उनकी मूर्ति लगाते हैं तो उनकी मूर्ति को भी एक सिंबॉलिक तरीके से लगाया जाता है। अगर किसी चौराहे पे हम लोग किसी राजा की मूर्ति लगाते हैं घोड़े के साथ में तो उस मूर्ति को लगाने के पीछे भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है। अगर उस घोड़े की चारों टांगे जमीन पे होती हैं और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, इसका मतलब है कि राजा की जो मृत्यु हुई है वो प्राकृतिक कारणों से हुई, यहाँ पे युद्ध का कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर घोड़े की दोनों टांगे आगे से ऊपर हैं और उस पे राजा सवार हैं तो इस मूर्ति का मतलब होता है कि राजा की जो है वो युद्ध लड़ते हुए मौत हुई है। और कई बार आपने देखा होगा कि चार टांगों में से तीन टांगे जमीन पे टिकी हुई होती है और एक टांग जो है घोड़े की उठी हुई होती है मूर्ति में, इसका मतलब होता है कि जो राजा की मौत है वो युद्ध में हुई है, वो युद्ध में लगने हुए घाव की वजह से हुई है। तो इस प्रकार का अमेजिंग फैक्ट आपको जाके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।